सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल लोकेशन के एकदम परफेक्टली आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा भविष्य रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो उसमें काफी सारी फैसिलिटी अभी आज की डेट में तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत ही फ्यूचर इसका ब्राइट आपको मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये सेक्टर जो देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, इसमें वैसे तो प्लॉट के जो साइज है वो काफी बड़े हैं, लेकिन ये बड़े साइज के होने की वजह से अभी आज की डेट में इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे के और एयरपोर्ट की वजह से, जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ही वीआईपी और पॉश सेक्टर रहेगा ग्रेटर नोएडा का पहला। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर चाई फाई के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा का एक सेक्टर, यहाँ पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नियर बाय और लोकेशन पे आपको 0 पॉइंट के पास ही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे घर बैठे ही। तो दोस्तों, फाइनली अगर मैं चाई फाई सेक्टर के बारे में बात करूं तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम जो रोड आपको मिल जाती है, यहाँ पे 12 मीटर 18 मीटर और 24 मीटर की रोड मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट साइज की अगर बात करूं तो प्लॉट साइज यहाँ पे काफी बड़े हैं। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये परिचौक से आपको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलता है। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे अगर यूज करना है तो वो भी इससे ओनली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें यहाँ के चौड़े सड़कों की वजह से और यहाँ के ग्रीन एरिया की वजह से, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे देती है इस सेक्टर के पॉश कराने के लिए। आप सामने भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर आसपास की अगर एडजॉइनिंग की रोड की बात करें तो इसमें आपको 60 मीटर 45 मीटर और 80 मीटर की वाइड रोड आपको इसके चारों तरफ से आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, काफ़ी पॉश लोकेशन पर आपको ये सेक्टर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसी सेक्टर के अंदर आपको 2 सोसाइटी भी आपको मिल जाती है, जिसमें एक ATS पैराडीसो एंड दूसरी जो कि वो है यूनिटेक हाइट के नाम से, ये भी आपको सोसाइटी जिसमें हाई राइज अपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ तो परिचौक से मात्र आपको 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगा और यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, लोकेशन की वजह से ही काफ़ी अट्रैक्टिव अब सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही वीआईपी और पॉश लोकेशन पे आपको देखने को मिलता है। इसकी आप सड़कें देख सकते हैं, यहाँ का ग्रीन बेल्ट आप देख सकते हैं, कितना ग्रीन एरिया आपको मिलेगा और दिल्ली से मात्र 30 मिनट की डिस्टेंस पर ही आपको ये सेक्टर जो देखने को मिलने वाला है। बाकी इसमें प्लॉट बड़े साइज में अवेलेबल है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मकान इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो क्योंकि बड़े साइज होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर साइज की बात करें तो 365 504 764 और 1022 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, इसकी सेक्टर की पॉश लोकेशन किस वजह से बनती है, ये आईटी जोन के आपको पास मिलेगा। यहाँ पे नॉलेज पार्क भी आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरा कॉलेज का हब आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि एजुकेशन हब और आईटी कंपनीज की वजह से ये जो आने वाले टाइम में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कनॉट प्लेस की तरह ये गोल चक्कर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर आपको अथॉरिटी ने अलॉट कर रखे हैं 5-स्टार होटल के लिए प्लॉट हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट यहाँ पर अलॉट कर रखे हैं इसके बिल्कुल लगते हुए। तो जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होगा उसके साथ साथ ही यहाँ पे जब ये 5-स्टार होटल वगैरह बन जाएंगे तो एयरपोर्ट से आके बिंदा यहाँ पे वो स्टे करेगा, तो यहाँ पे पूरा कॉमर्शियल हब भी आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे, जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की पूरी प्लानिंग में ये आपको देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, बात करें प्लॉट के रेट के बारे में तो आज के डेट में आपको यहाँ पे कम से कम 55,000 से लेकर 70,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको रेट जो है वो देखने को मिलेगा और काफ़ी पॉश लोकेशन है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे 2 नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं।